What a beautiful morning from Narkanda. हल्का सा क्लाउड का कवर है सामने पहाड़ों पर. सन हैज जस्ट रिजन. ये मेरे राइट में वहाँ पर है हॉकी का स्टेडियम एंड जस्ट ऊपर जो बिल्डिंग है उसके वो है उस वहाँ की एकेडमी हॉकी की. लुकिंग सो नाइस. तो नारकंडा से हम चल रहे जा रहे हैं सरहान की तरफ. अभी आएगा रास्ते में रामपुर जो कि विंटर कैपिटल थी बुशहर किंगडम की. और नारकंडा से रामपुर की तरफ हम नीचे उतरते हैं. एक्चुअली रामपुर ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, आई थिंक अबाउट 1500-1600 मीटर पे होगा. उसके बाद फिर हम अगेन ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे उसके बाद. ये जो नेशनल हाईवे 5 है जहाँ पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये रोड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर शिपकिला पास तक जाती है एंड नारकंडा इस रोड पर सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है. इसके बाद हम रामपुर तक सीधा डिसेंड करेंगे. तो ये हम पास कर रहे हैं नारकंडा मेन मार्केट से. तो यहाँ आगे से यह NH5 घूमता है टुवर्ड्स रामपुर सराहन एंड किन्नौर. सीधा वी वुड हैव गॉन टू द हाटू पीक एंड टू द नारकंडा लेक जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर करी थी. सो हम हैं रामपुर के रास्ते पर. रामपुर सो हम रामपुर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है. सरहन से रामपुर एक घंटा पहले पड़ता है और ये सामने है एक ब्यूटिफुल वाटरफॉल. रोड वी आर टेकिंग नेशनल हाईवे 5. तो अब हमारे साथ फ्लो कर रही है सतलुज नदी. ये नदी अब हमारे रास्ते के अलोंग ऑन नेशनल हाईवे 5 साथ साथ करीब खाप तक चलेगी जहां पर हम नेशनल हाईवे 5 को छोड़कर नाको की तरफ जाते हैं. सतलुज रिवर ऑन द अदर हैंड वुड कंटिन्यू टू फ्लो अलोंग द नेशनल हाईवे 5 और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर शिपकिला तक जाती है जहां से फिर ये तिब्बत एंड कैलाश रेंज में एंटर करती है. तो अब हम पहुंच रहे हैं रामपुर की तरफ. सतलुज नदी के किनारे बसा ये शहर पुराने समय पर बुशहर किंगडम की विंटर कैपिटल था. सिर्फ 900 से 1000 मीटर के एवरेज ऑल्टीट्यूड पर बसा रामपुर का शहर इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम नारकंडा विच वॉज लोकेटेड एट 2700 मीटर्स. तो रामपुर शहर से जस्ट पहले
रामपुर शहर से जस्ट पहले यह है हनुमान जी का स्टैचू और एक हनुमान मंदिर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। नीचे से फ्लो कर रही है सतलुज नदी। यहाँ से वो है सतलुज नदी, यहाँ बना हुआ है हनुमान जी का स्टैचू और यह है हनुमान टेम्पल। यह मंदिर तो ये पास कर रहे हैं हम रामपुर सिटी सेंटर से। पुराने समय पे रामपुर तिब्बत यारकंड विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे शिंक्यान एंड सेंट्रल एशिया से आ रहे ट्रेड रूट्स पे पड़ता था। तो अपनी सेंट्रल लोकेशन एंड रिलेटिवली मॉडरेट टेरेन की वजह से रामपुर उस समय एक मेजर कमर्शियल हब बना एंड इसी वजह से यहाँ पर उस समय का नॉर्दर्न हिमालयस का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर लावी ट्रेड फेयर होने लगा, जहाँ पर ट्रेडर्स फ्रॉम तिब्बत सेंट्रल एशिया एंड रेस्ट ऑफ द मेनलैंड इंडिया आते थे। तो रामपुर के बाद हमारे कल्पा किन्नौर के रास्ते पर जो अगला मेजर पॉइंट आएगा वो है ज्योरी का, जहाँ से हम नेशनल हाईवे 5 को छोड़ के फॉर अ ब्रीफ टाइम एक डिटूर लेंगे टूवर्ड्स सराहन, जहां पर लोकेटेड है द ब्यूटीफुल भीमाकाली टेंपल। तो अभी हम हैं नेशनल हाईवे 5 पर और अब हम सराहन की तरफ कट लेंगे। सराहन यहां से करीब 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का डिटूर फ्रॉम नेशनल हाईवे 5 हम पहुंचेंगे सराहन में, जहां पे है भीमकाली टेंपल जो कि एक शक्तिपीठ भी है। तो ये बोर्ड आ गया एंड यहां से हम तो ये है ज्योरी, यहां सीधी जाते हैं हम सराहन को, इस तरफ जाते हैं किन्नौर की तरफ एंड सीधा टू शिमला। तो ये हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 5 को छोड़ के ऑन ज्योरी सराहन रोड। यहां से सराहन का डिस्टेंस करीब 15 किलोमीटर का है। सराहन पॉपुलर है अपने खूबसूरत भीमाकाली टेंपल के लिए। भीमाकाली का मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसकी मान्यता शक्तिपीठ जैसी ही है। भीमाकाली का मंदिर बुशहर राज्य के राजाओं का मेन मंदिर हुआ करता था एंड इसीलिए हालांकि है तो ये मंदिर काफी प्राचीन बट अनेक राजा अपने अपने समय पर इस मंदिर पर अलग अलग तरह का विकास करवाते रहे। ज्योरी जहां से हमने सराहन के लिए कट लिया था वो लोकेटेड है करीब 1500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर, जबकि ये सराहन का शहर है 2300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। तो लगभग 15 किलोमीटर के अंदर हम 800 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं, इसीलिए ज्योरी से सराहन की सड़क रिलेटिवली स्टीप है। वैसे सराहन को पुराने समय में सोनितपुर कहा जाता था एंड इसको गेटवे ऑफ किन्नौर भी माना जाता था। तो ये पहुंच गए हम सराहन के भीमाकाली मंदिर। तो ये है सराहन। हम जा रहे हैं भीमकाली टेंपल की तरफ। ये सामने है का भीमकाली टेंपल एंट्रेंस
यहाँ से है, यहाँ से 15 मिनट का डीटू था फ्रॉम द मेन हाईवे टू भीमकाली टेम्पल। ये मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। बुशहर राज्य था तब ये मंदिर वहाँ के राजाओं का मेन टेम्पल हुआ करता था। मंदिर के आसपास होटल्स भी हैं काफी। सीधा मंदिर के एंट्रेंस बहुत ही बढ़िया, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। सरहान की मार्केट एंड ये सामने आ गया टेंपल, भीमकाली टेंपल। ये रेस्ट हाउसेस है टेंपल के सीधा एंड आई थिंक यहाँ से टेंपल की एंट्री है। ग्रीन पहाड़ी से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर लोकेशन में ये टेंपल है, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये है कोर्ट यार्ड, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। राइट में है शिव मंदिर, ये भीमकाली मंदिर ये वाला लेफ्ट में, ये कैंटीन है टेंपल की, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। भीमकाली का ये मंदिर ना ही केवल काफी पौराणिक है बल्कि काफी सुंदर भी है। खासकर ये लकड़ी का काम इस मंदिर की खूबसूरती को और निखारता है। शिव मंदिर बहुत ही सुंदर, ये है नरसिम्हा जी का। ये वुडवर्क तो नया लगता है इस टेम्पल का, बट ये अंदर का काम इज वेरी एंशिएंट। ये है भीमकाली टेम्पल, ये भीमकाली टेम्पल। ओके, नाइस, बहुत ही सही नहीं, नाइस। भीमकाली टेम्पल, टाइगर्स ऑन इधर साइड। इस मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाने से पहले आपको अपनी सारी बिलोंगिंग्स लाइक वॉलेट, कैमरा, फोन एक डेजिग्नेटेड लॉकर में रखने होंगे।
तो सराहन के भीमकाली टेंपल से हम अपने कल्पा किन्नौर की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ.